पंजाब में रहने वाले शराब प्रेमियों को नई सरकार ने कुछ ही महीनों के भीतर बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में नई अबकारी नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के अमल में आते ही पंजाब में शराब की कीमतें 40% तक कम हो जाएंगी। वहीं सरकार को उम्मीद है कि नई नीति से उसे 9,647.85 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री मान की अगुवाई में चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सिक्योरिटीज़ में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में नई अबकारी नीति पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति में सघन निगरानी और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर काम लगाने के ऊपर फोकस किया गया है। वहीं नई नीति में 2022-23 के दौरान 9,647.85 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बता दें कि नई अबकारी नीति 1 जुलाई से लागू होगी और अगले साल 31 मार्च तक अमल में रहेगी। इसका मतलब हुआ कि नई अबकारी नीति अगले 9 महीने प्रभावी रहने वाली है। इसके बाद सरकार अगले साल अबकारी नीति की समीक्षा करेगी। वहीं अमूमन हर राज्य 1 अप्रैल से नई अबकारी नीति को लागू कर सकते हैं। इस साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इस कारण अबकारी नीति में संशोधन में देरी हुई। इसके अलावा मान सरकार के मंत्रिमंडल ने अबकारी विभाग को पुलिस की 2 स्पेशल बटालियन अलॉट करने को भी मंजूरी दी है। ये 2 बटालियन पहले से उपलब्ध फोर्सेस के अतिरिक्त होंगे। ये अबकारी नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए किया गया है। इससे पंजाब को पड़ोसी राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। वहीं बता दें, नई नीति का लक्ष्य शराब के कारोबार में संलिप्त माफिया पर लगाम लगाना है। नई नीति के बाद शराब बनाने वाली कंपनियों, थोक विक्रेताओं और रिटेलर्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। इसमें सभी को एक दूसरे से अलग थलम करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही नई नीति में 177 समूहों को पारदर्शी ई ट्रेडिंग प्रक्रिया के जरिए शराब ट्रेड के टेंडर अलॉट करने का भी लक्ष्य है। अब पंजाब में शराब की दुकानों की संख्या 6,378 होगी। पंजाब में बनने वाली शराब को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी की शराब पर अब थोक कीमतों के 0.1% के बराबर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसी तरह भारत में बनी शराइसेंस को भी अमल में लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।